हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 3, एक इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू में 12। हमें वेरिएबल एक्स एंड वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं। चलिए हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस का एक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। पुट करते हैं एक्स का वैल्यू 2, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक यहाँ चार्ट बना लेते हैं। दो सोल्यूशन हमने निकाले हैं ना, इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, पहले इसके लिए हम लोग एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। इसके दो सोल्यूशन निकालने होंगे, कम से कम एक लाइन को खींचने के लिए दो पॉइंट सही है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो इक्वेशन दिए गए उनमें से हर एक इक्वेशन को लेकर उसके दो सोल्यूशन हम लोग पहले फाइंड करेंगे ग्राफ खींचने के लिए। तो हमने 1 पुट किया एक्स का वैल्यू, तो वाई का 2 आया है, और जब 2 पुट किया है तो वाई का वैल्यू 1 आया है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा इक्वेशन जो दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू में 12, दूसरा इक्वेशन ये दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पहले यहाँ 2x इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 5y, यानी x इक्वल टू में लिख सकते हैं 12 माइनस 5y बाई में 2। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू मान लो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं आपका 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 इंटू 2 और बाई 2, 5 टू जा 10 हो जाएगा, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 बाई 2 कट के 1 आ गया। ठीक है, पुट करते हैं y इक्वल टू में मान लो 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 इंटू 0 और बाई में 2, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 12 बाई 2 कट गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे इसके भी दो सोल्यूशन निकाल लिए और इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए एक्स वाई क्या पुट किया हमने, वाई का वैल्यू 2 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू 1 आया, वाई का वैल्यू 0 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू 6 आया। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर खींचते हैं। चलो तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका हमने एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस। चलिए ध्यान से देखो, एक्स यहाँ पर एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में कम भी रहेगा तो चलेगा, -1 -2 -3 -4, अगर आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हो -1 -2 -3। चलिए एक्स का 1 है और वाई का 2 है, एक्स का 1 वाई का 2, ये ना हो जाएगा। अच्छा, एक्स का 2 वाई का 1, एक्स का 2 वाई का 1। ठीक है, चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। और इसका इक्वेशन हमारे पास जो था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, यही ना था जी। चलिए दूसरे वाले के लिए देखते हैं, एक्स का 1 वाई का 2, एक्स का 1 वाई का 2, अच्छा एक्स का 6 वाई का 0, ये हो जाएगा। और इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही ना जाएगा। तो ये जो दोनों लाइन्स हम लोग देख रहे हैं और इनका इक्वेशन हमारे पास, एक का दिया हुआ है ये और दूसरे का क्या था जी, दूसरे का था आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट जो होंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा